दोस्तों, यूरोप का एक ऐसा देश है जहाँ पर लड़कियों के हाथ में किस करके उन्हें एक तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है। एक ऐसा देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन दोबारा खड़ा हुआ और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश है जहाँ के लोग बहुत हैं इमोशनल और बहुत हैं स्ट्रगलिंग। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर है दुनिया का सबसे पुराना महल। इस देश ने दिया है दुनिया को बहुत कुछ, बहुत सारे आविष्कार, और इसी देश से ताल्लुक रखती हैं दुनिया की वो पहली लेडी जिन्होंने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं यूरोप के एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है पोलैंड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, पोलैंड एक बेहद ही खूबसूरत देश है। मध्य यूरोप में स्थित ये एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश की राजधानी है वारसा। आपको पता है दोस्तों, इस देश का क्षेत्रफल है 3,12,696, जो कि पोलैंड को यूरोप का 9वां सबसे बड़ा देश बनाता है और दुनिया का 59वां देश। पोलैंड का बॉर्डर रूस से, लिथुआनिया से, बेलारूस से और यूक्रेन से, साथ ही स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक से लगता है। इसी के साथ ये अपना बॉर्डर जर्मनी के साथ भी शेयर करता है और बाल्टिक सागर के साथ इसकी 700 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। दोस्तों, यहाँ पर अधिकतम लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। दोस्तों, इस देश की जनसंख्या लगभग 38.2 मिलियन है। दोस्तों, इस देश की ऑफिशियल भाषा पोलिश है, लेकिन यहाँ के लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं, जो कि काफी इजी हो जाता है दूसरों के लिए। दोस्तों, इस देश का इतिहास बहुत ही खास रहा, खासकर वॉर्स को लेकर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी और रूस दोनों ने इस पर आक्रमण किया और पोलैंड को बहुत नुकसान पहुंचाया। युद्ध के दौरान लगभग 60 लाख पोल्स लोग मारे गए। जनसंख्या का 18% खत्म हो चुका था। पोलैंड की राजधानी को तो बर्बाद कर दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लगभग ये राजधानी पूरी तरह नष्ट हो गई थी। हिटलर ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया। लगभग 8,50,000 लोग मारे गए और इसकी खूबसूरत इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। 16वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों, पोलैंड यूरोप का सबसे बड़ा राज्य था और महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बन गया था। लेकिन उसके बाद हुए आक्रमण ने इस देश को बिल्कुल खत्म कर दिया और जमींदोज कर दिया। दोस्तों, पोलैंड दिखाता है अपनी संस्कृति और खूबसूरत इतिहास को भी। आपको पता है दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महल पोलैंड में ही है। 13वीं सदी में इसे बनाया गया था और ये लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है। दिलचस्प बात तो ये है कि दुनिया का उल्टा घर आपको पोलैंड में ही देखने को मिलेगा और कहीं नहीं। ये काफी अट्रैक्टिव जगह है, जो दिखाती है कि पोलैंड ने कितना संघर्ष किया और एक समय तो पूरी दुनिया ने इसको उलट पुलट कर रख दिया। दोस्तों, आप निकोलस कोपरनिकस को जानते हैं? जी हाँ, वही आधुनिक खगोल विज्ञान शास्त्री। जी हाँ, यूरोपीय वैज्ञानिक जिन्होंने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ना कि सूरज हमारे आसपास। दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी नमक खादान आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जो कि खुली है पर्यटकों के लिए। 13वीं शताब्दी में इसकी खुदाई की गई थी और 1996 तक नमक का उत्पादन यहाँ से होता था। आज भी यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोग इसे विजिट करने जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर लोग शराब के बहुत शौकीन हैं। इमोशनल तो है, लेकिन शराब पीने के बहुत शौकीन। वोडका का आविष्कार कहा जाता है कि पोलैंड में ही हुआ था और यहाँ के लोग बियर भी बहुत मजे से पीते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोगों का बियर पीने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे लोग फ्रूट जूस या फिर जेली डालकर बियर को पीते हैं और एक अलग ही टेस्ट लेते हैं। हालांकि मैंने कभी इस टेस्ट को फील नहीं किया। दोस्तों, कहा जाता है कि पोलिश लोग कभी हार नहीं मानते। यहाँ की 3 पीढ़ियों ने अपनी आजादी के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। कठिन अतीत के बावजूद यहाँ के लोग यूरोप के सबसे दोस्ताना और मेहमान नवाजी लोगों में से एक हैं। भले ही वे शुरुआत में दूर जाते हों, लेकिन फिर आपको फ्रेंड की तरह फील कराएंगे। आपको पता है दोस्तों, हिटलर तक ने ये माना कि पोल्स सबसे बुद्धिमान लोगों का देश है और इतने बुद्धिमान लोगों से वो पहली बार मिला। पोलिश लोग ईमानदार भी होते हैं दोस्तों, कभी कभी बहुत ज्यादा ईमानदार हो जाते हैं। वो आपको अपना सब कुछ बता देते हैं, कुछ ही मिनटों में वो आपके दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी लेडी को रिस्पेक्ट या प्यार देना चाहते हैं, तो आपको उसके हाथ पर किस करना होता है। यहाँ पर जब किसी लेडी के हाथ में किस किया जाता है, तो ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर कोई आपके हाथ पर किस करे, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा,
बल्कि खुश हो जाइएगा क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है। दोस्तों, इस देश में बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, इस जगह को फील कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ जगहों की सैर हम भी आपको कराते हैं। दोस्तों, पोलिन का वारसा बेहद ही खास है और सबसे ज्यादा फेमस प्लेस भी। पोलिन के कुछ खास जगहों में से ये एक है। पोलिन की राजधानी है वारसा। दोस्तों, वारसा बहुत ही अट्रैक्टिव शहर है और यहाँ आपको ऊंची ऊंची इमारतें आसमान छूती हुई लगेगी। वारसा शहर सांस्कृतिक शहर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर पूरे साल कुछ न कुछ प्रोग्राम होता ही रहता है। दुनिया भर से यहाँ पर्यटक आते हैं और इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वारसा शहर का गौरव यहाँ की द वारसा मरमिट स्मारक है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। दोस्तों, पोलैंड का एक शहर और भी है जिसे टूरिस्ट बेहद पसंद करते हैं, वो है क्राको। पोलैंड देश के खूबसूरत शहरों में से क्राको शहर बहुत ही खूबसूरत, पर्यटन की दृष्टि से बेहद ही शानदार। क्राको शहर पोलैंड का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। दोस्तों, क्राको शहर में पोलिश राजघरानों के पुराने राजकीय कमरे देखने को मिलेंगे आपको एज अ म्यूजियम। क्राको शहर इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। क्राको में आप वावेल शाही महल, रेनक ग्लानी, विली जक्का नामक खादान भी देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, ये है पोलैंड का एक बेहद ही खूबसूरत महल जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था, वावेल महल। वावेल कैसल महल पोलैंड के कुछ खास जगहों में से एक है। 14वीं शताब्दी में पोलिश के सम्राट कासिमीर द्वारा इसे बनाया गया। इस महल में बहुत ही फेमस तलवार रखी है दोस्तों, जिसका नाम द जंग स्क्वाड है। ये गॉथिक महल क्राउन पोलिश का एक संग्रहालय है जहाँ पर प्रसिद्ध तलवार रखी है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ये बेहद ही अट्रैक्टिव और बेहद ही खास जगहों में से एक है। ये जगह हिस्ट्री से प्यार करने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास है। दोस्तों, अगर आप कुछ प्राकृतिक सुंदरता को निहारना चाहते हैं तो आप मसूरिया लैकलैंड आ सकते हैं। मसूरिया लैकलैंड बहुत सारी झीलों का शहर है जो पर्यटकों को नाव से इस शानदार शहर को घुमाने की परमिशन देता है, क्योंकि शहर में बहुत सारी झीलें हैं और बहुत सारे झरने भी जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। मसूरियन लैकलैंड यूरोप महाद्वीप के झील जिले के रूप में भी जाना जाता है। इस जगह पर आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे जहां पर आप रुक सकते हैं और इन नज़ारों को और भी करीब से देख सकते हैं। दोस्तों, पोलैंड आने वाले लोगों के लिए बता दें कि यहां पर मार्च से मई तक का जो टाइम होता है बहुत ही अच्छा होता है, मौसम बहुत सुहाना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ सितंबर से नवंबर का मंथ भी बहुत अच्छा होता है। यहां पर दुनिया भर से लोग इस खूबसूरत ठंड का मजा लेने के लिए आते हैं। तो आप कब आएंगे हमें जरूर बताइएगा। पोलैंड घूमने जाने के लिए भारत के बहुत सारे शहरों से, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि से आपको डायरेक्ट पोलैंड के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। आपको पोलैंड के प्रमुख हवाई अड्डे वारसा के लिए फ्लाइट मिल जाएगी जो कि इजीली आपको लगभग 15,000 से 20,000 रुपए की पड़ेगी। बस आपको करना होगा एक काम, वीजा के लिए अप्लाई। वीजा आते ही आप उड़ान भर सकते हैं पोलैंड के लिए। आई होप दोस्तों, पोलैंड का ये सफर आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।